सब्सक्राइब करें मेडिसिन जानकारी को सबसे पहले मेडिसिन से जुड़ी जानकारी के लिए। फ्रेंड्स मेडिसिन जानकारी के चैनल में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए मेंटवर्थ 50 mg टेबलेट्स और विगोरे 100 mg टेबलेट्स। दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में से कौन सा बेस्ट है और इनका क्या यूज है, क्या साइड इफेक्ट है और किस प्रकार काम करता है और किसको ये टेबलेट्स नहीं लेने चाहिए और मार्केट में इसके अल्टरनेटिव ब्रांड कौन कौन से अवेलेबल है और किन दवाइयों के साथ मेंटवर्थ 50 mg टेबलेट्स और विगोरे 100 mg टेबलेट्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो मेंटवर्थ 50 mg टेबलेट्स और विगोरे 100 mg टेबलेट्स के बारे में संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। चैनल पे या वीडियो पे पहली बार विजिट किया है, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। शुरू करते हैं, सबसे पहले मेंटवर्थ 50 mg टेबलेट्स के बारे में जान लेते हैं। मेंटवर्थ 50 mg टेबलेट्स के अंदर 9 गोली का शिप्स है। जिसकी MRP की बात करें तो इसकी MRP 270 यानी कि 270 रुपये के करीब इसकी MRP है। मेंटवर्थ 50 mg टेबलेट्स को मैनकाइंड फार्मा कंपनी के द्वारा बनाया जाता है, जो कि एक नामचीन कंपनी है और बहुत सारे एलोपैथिक्स मेडिसिन भी बनाती है। मेंटवर्थ 50 mg टेबलेट्स के अंदर इंग्रीडियंट्स या मॉलिक्यूल्स या कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर एक सिंगल मॉलिक्यूल्स डाला गया है जिसका नाम है सिलिनाबिल साइटेट 50 mg टेबलेट्स। मेंटवर्थ 50 mg टेबलेट्स का यूज के बारे में बात करें तो इसका यूज पल्मोनरी हाइपरटेंशन या अस्थायी स्तनदोष या इरेक्टाइल डिसफंक्शन के इलाज में किया जाता है। यह दवा का इस्तेमाल केवल मेंस के लिए रहता है। मेंटवर्थ 50 mg टेबलेट्स किस प्रकार काम करती है? मेंटवर्थ 50 mg टेबलेट्स के अंदर जो दवाई रहती है यानी कि सिलिनाबिल साइटेट्स, यह दवा पेनिस की रक्तवाही को यानी कि ब्लड वेसल्स की मांसपेशियों को आराम देकर पेनिस में रक्त के प्रवाह को बढ़ाती है। दूसरा है विगोरे 100 mg टेबलेट्स। विगोरे 100 mg टेबलेट्स जो कि हमारे पास 4 गोली का स्ट्रिप से है, जिसकी MRP की बात करें तो इसकी MRP 116 यानी कि 116 रुपये के करीब इसकी MRP है। विगोरे 100 mg टेबलेट्स को जर्मन रेबिडिस कंपनी के द्वारा बनाया जाता है, जो कि एक नामचीन कंपनी है और बहुत सारे एलोपैथिक्स मेडिसिन भी बनाती है। विगोरे 100 mg टेबलेट्स के अंदर इंग्रीडियंट्स या मॉलिक्यूल्स या कंपोजिशन की बात करें तो उसके अंदर एक सिंगल मॉलिक्यूल्स डाला गया है जिसका नाम है सिलिनाबिल साइटेट 100 mg टेबलेट्स। विगोरे 100 mg टेबलेट्स का यूज के बारे में बात करें तो इसका यूज पल्मोनरी हाइपरटेंशन या इरेक्टाइल डिसफंक्शन या अस्थायी स्तंभदोष के इलाज में किया जाता है। विगोरे 100 mg टेबलेट्स किस प्रकार काम करती है? विगोरे 100 mg टेबलेट्स के अंदर जो दवाई रहती है यानी कि सिलिनाबिल साइटेट्स, यह दवा पेनिस की रक्तवाही को यानी कि ब्लड वेसल्स की मांसपेशियों को आराम देकर पेनिस में रक्त के प्रवाह को बढ़ाती है। मेंटवर्थ 50 mg टेबलेट्स और विगोरे 100 mg टेबलेट्स को खाना खाने के बाद ही ले और इसको कंटिन्यू यूज न करें और अपने डॉक्टर की देखरेख में करें। अगर आप इसको कंटिन्यू बेस पर सेवन कर रहे हैं, अपने डॉक्टर की देखरेख में नहीं करें, कंटिन्यू बेस पर इसका इस्तेमाल करें तो कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। साइड इफेक्ट में आपको आपका सिर दर्द हो सकता है, मांसपेशियों में दर्द हो सकता है, कमर दर्द हो सकता है, चक्कर आना हो सकता है, अवपस हो सकता है, तो ये कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो मेंटवर्थ 50 mg टेबलेट्स और विगोरे 100 mg टेबलेट्स का इस्तेमाल अपने डॉक्टर की देखरेख में करें। विगोरे 100 mg टेबलेट्स और मेंटवर्थ 50 mg टेबलेट्स किनको टेबलेट्स या टेबलेट्स नहीं लेनी चाहिए? अगर कोई पेशेंट लो बीपी है, लीवर का पेशेंट या हार्ट का पेशेंट या अल्कोहल का सेवन करता है तो इन कंडीशंस में मेंटवर्थ 50 mg टेबलेट्स और विगोरे 100 mg टेबलेट्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मेंटवर्थ 50 mg टेबलेट्स और विगोरे 100 mg टेबलेट्स का इस्तेमाल किन दवाइयों के साथ नहीं करना चाहिए? अगर कोई पेशेंट एमलोडिपिन, कार्बामेजाबिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, केटाकोनाजोल, नाइट्रोग्लिसरिन या डेक्सामेथासोन या नाइट्रेट टेबलेट्स का इस्तेमाल करता है तो इन कंडीशन में मेंटवर्थ 50 mg टेबलेट्स और विगोरे 100 mg टेबलेट्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मेंटवर्थ 50 mg टेबलेट्स और विगोरे 100 mg टेबलेट्स आपको कोई भी मेडिकल फार्मेसी में मिल जाएगा। मेंटवर्थ 50 mg टेबलेट्स और विगोरे 100 mg टेबलेट्स के डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन आवश्यक रहता है। अगर आपको ये टेबलेट्स ना मिले तो इसके अल्टरनेटिव ब्रांड की तरफ जा सकते हैं, जैसे कि मार्केट में आता है सुआग्रा 100 mg टेबलेट्स, पेनेग्रा, जेनेग्रा, मैक्सूत्रा 100, कामाग्रा, मेनपिल्स, एडेग्रा, तो ये ले सकते हैं जो कि आपको कोई भी मेडिकल में आपको आसानी से मिल जाएगा। लेकिन मेंटवर्थ 50 और विगोरे 100 mg टेबलेट्स के लिए डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन आवश्यक रहता है। मेंटवर्थ 50 mg टेबलेट्स और विगोरे 100 mg टेबलेट्स में डिफरेंस की बात करें तो दोनों में एक डिफरेंस कंपनी का डिफरेंस है, यानी कि मेंटवर्थ 50 mg टेबलेट्स को मैनकाइंड फार्मा के द्वारा बनाया जाता है और विगोरे 100 mg टेबलेट्स को जर्मन रेबिडिस कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। तो दोनों ही कंपनी मार्केट में नामचीन से है और बहुत सारे एलोपैथिक्स मेडिसिन भी बनाती है और दोनों ही कंपनी मार्केट में नामचीन से और ब्रांडेड कंपनी है। तो दोनों में डिफरेंस की बात करें तो मेंटवर्थ 50 mg टेबलेट्स को मैनकाइंड कंपनी के द्वारा बनाया जाता है और विगोरे 100 mg टेबलेट्स को जर्मन रेमेडीज कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। तो दोनों में ही कंपनी का डिफरेंस है। मेंटवर्थ 50 mg टेबलेट्स 9 गोली का स्ट्रिप देता है, उसकी MRP रहती है 270 और विगोरे 100 mg टेबलेट्स के अंदर 4 गोली रहती है जिसकी MRP 116 रुपये, यानी कि इस दोनों में विगोरे 100 mg 4 गोली का रहता है तो उसकी MRP 116 यानी कि ये कम प्राइस का रहता है और मेंटवर्थ 50 mg टेबलेट्स उसकी MRP रहती है 270 लेकिन उसके अंदर 9 गोली रहती है। तो दोनों में MRP और कंपनी का डिफरेंस है, बाकी कुछ डिफरेंस नहीं है। और मेंटवर्थ 50 mg टेबलेट्स के अंदर जो सिलिनाबिल साइट्रेट्स है वो 50 mg डाला गया है और विगोरे 100 mg टेबलेट्स के अंदर सिलिनाबिल साइट्रेट्स 100 mg डाला गया है। तो दोनों में ही जो सॉल्ट डाले गए हैं तो मेंटवर्थ 50 mg टेबलेट्स में सॉल्ट सिलिनाबिल साइट्रेट 50 mg यानी कि कम डाला गया है और विगोरे 100 mg टेबलेट्स के अंदर सिलिनाबिल साइट्रेट 100 mg जो कि ज्यादा डाला गया है। तो दोनों में सॉल्ट
कम या ज़्यादा डाला गया, बाकी कुछ फर्क नहीं है। मेनफोर्स 50 mg टेबलेट्स और विगोर 100 mg टेबलेट्स को यूज़ करने के पहले अपने जनरोपेजिस्ट या फेमिली डॉक्टर या अपने कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर या फिर यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करें या फिर उनसे एडवाइस लें, बाद में टेबलेट्स का इस्तेमाल करें। अपने मन से टेबलेट्स का इस्तेमाल कभी भी नहीं करें। मेनफोर्स 50 mg टेबलेट्स और विगोर 100 mg टेबलेट्स के डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन आवश्यक रहता है। मेनफोर्स 50 mg टेबलेट्स और विगोर 100 mg टेबलेट्स के बारे में कुछ भी डाउट हो तो हमारी कमेंट सेक्शन बताएं, अदरवाइज डिस्कशन में मेल आईडी दिया है वहां पर बताएं। मेनफोर्स 50 mg टेबलेट्स और विगोर 100 mg टेबलेट्स का वीडियो आपको थोड़ा सा यूजफुल हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियोज। यह वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज के लिए था। कोई भी टेबलेट्स का इस्तेमाल करने के पहले अपने डॉक्टर की सलाह अवश्य लें।